हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने टाइटल से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Redmi Note 6 Pro की कुछ दिक्कतों की, कुछ इश्यूज की। अब एक चीज मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जनरली जो कॉन्स की वीडियो आप देखते हैं या फिर रीजंस नोट टू बाय की वीडियो देखते हैं, उन चीजों में यहां पर बताया जाता है कि किसी फोन की बैटरी लाइफ घटिया है या कैमरास अच्छे नहीं है या प्रोसेसर उसमें आपको वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए नहीं मिलता। ये वीडियो ऐसी चीजों के बारे में नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से शायद आपको उनसे भी ज्यादा दिक्कत इस फोन को यूज करने में आने वाली है। और ये वीडियो मैं खासकर बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी इस फोन को लेने वाले हैं, आपने खरीदा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मत छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं। ये फोन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप इस फोन को मत खरीदो या कुछ ऐसा भी, बहुत अच्छा फोन है, बहुत तारीफ मैं ऑलरेडी इस फोन की कर चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जिनको यूज करके शायद आप थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस इस फोन से ले पाएंगे और जो दिक्कतें हैं जो मुझे फेस करने के लिए मिल रही हैं वो शायद आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इस फोन के कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज की जो कि मुझे पिछले 10 दिनों से मैं फोन को यूज कर रहा हूं और मैं पूरा इरिटेट हो चुका हूं यार। और मैंने एक दो लोगों से और बात की है जिनके पास Redmi Note 6 Pro ही है, सब लोगों को ये दिक्कतें फेस करने के लिए मिल रही हैं। आप भी मुझे बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कि जो जो दिक्कतों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा वो आपको भी फेस करने के लिए मिल रही है या नहीं। तो आपको पता होगा कि इस फोन में आपको MIUI देखने के लिए मिलता है और वर्जन की अगर आप बात करें तो 9 और 10 दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। जब आप फोन को नया खरीदेंगे तब आपको 9 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसी टाइम जैसे ही आप फोन को ऑन करते हैं तो आपको 10 का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी इस फोन के लिए रिलीज हो चुका है। अब मैं बात करता हूं दिक्कतों की। पहली दिक्कत जो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत इरिटेटिंग दिक्कत है, अब आप फोन को खरीदेंगे तो सबसे मेन पर्पस आपका रहेगा कॉलिंग करना। फोन खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉलिंग तो आप करेंगे, तो नेटवर्क इश्यूज अगर किसी फोन में इतने ज्यादा हो कि अगर आप 3 बार फोन मिलाएं 2 बार आवाज ही ना आए या फिर दूसरे बंदे को आवाज ना जाए, तो आप खुद सोच लीजिए वो चीज कितनी इरिटेटिंग होगी। ये दिक्कत Redmi Note 6 Pro में है। अब 3 में से 2 बार हर बार ऐसा नहीं होगा कि 3 में से 2 बार ही आपको फेस करने के लिए मिले, हो सकता है आपको 10 में से 3-4 बार मिले या 20 में से 3-4 बार मिले, लेकिन ये दिक्कत कभी कभी इतनी फ्रीक्वेंट हो जाती है फ्रेंड्स कि एक दिन तो मैंने लगातार 15 फोन किए और उसमें से कम 10-12 फोन्स में मुझे दिक्कत आई। कभी आवाज जाती नहीं है, कभी आती नहीं है, मतलब एट लास्ट आप बात नहीं कर पाते हैं, फोन को कट करके आपको दोबारा मिलाना पड़ता है। तो ये है पहली दिक्कत। अभी 3 दिक्कतें हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं। पहली दिक्कत नेटवर्क रिलेटेड बहुत ज्यादा है इस फोन में। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये फोन जो है वो मैं रिप्लेस ऑलरेडी करवा चुका हूं एक बार फ्लिपकार्ट से। आपको पता है कि 10 दिन के अंदर अगर आपको किसी फोन में कोई दिक्कत रहती है तो आप फ्लिपकार्ट से इस फोन को एक्सचेंज या रिप्लेस करवा सकते हैं, तो मैंने इस फोन को रिप्लेस भी करवा लिया है। आज मेरे पास ये रिप्लेस होके भी आ गया है। MIUI 10 को अपडेट करने के बाद स्टिल वो दिक्कतें मुझे इस फोन में देखने के लिए मिल रही हैं। दूसरी दिक्कत के बारे में बात करते हैं, वो है इस फोन के हेडफोन जैक और लाउडस्पीकर से रिलेटेड। तो हेडफोन जैक और लाउडस्पीकर से रिलेटेड क्या दिक्कत है कि कभी कभी जब आप फोन को यूज कर रहे हैं, अगर आप हेडफोन जैक को यूज करना चाहते हैं तो हेडफोन जैक में आप हेडफोन तो लगा देंगे लेकिन उसमें आवाज नहीं आएगी। ये दिक्कत भी बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे साथ हो रही है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप फोन को रिस्टार्ट करेंगे तो शायद वो दिक्कत एक टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर अगर आप फोन को कुछ टाइम के लिए यूज करते रहेंगे, अगेन आप हेडफोन यूज करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है अगेन वो इशू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें अगेन मेरे साथ पिछले 10 दिनों से हो रही हैं, जो कि अगेन बहुत इरिटेटिंग है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको गाने वगैरह सुनने बहुत पसंद है, अगर आप हेडफोन्स बहुत यूज करते हैं या इवन अगर आप गेमिंग के लिए हेडफोन्स यूज करते हैं, तो उस केस में अगर आपको आवाज ही नहीं आएगी हेडफोन से तो आपको कितना इरिटेटिंग लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं गेम शुरू कर देता हूं उसके बाद हेडफोन्स यूज करता हूं और उसमें आवाज नहीं आती है। और एक उससे भी बड़ी दिक्कत जो लाउडस्पीकर के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही आप हेडफोन जैक से हेडफोन्स को उतारते हैं उसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज को भी पता नहीं क्या हो जाता है, रुक रुक के आवाज आने लगती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम में या सिर्फ गाने में, कोई भी आवाज, कोई भी साउंड अगर आप लाउडस्पीकर से प्ले करेंगे हर बार ऐसा ही होगा, चाहे वो कॉल आए, चाहे आप कोई सॉन्ग प्ले करें, चाहे आप कोई गेम चला दें, आपके लाउडस्पीकर से रुक रुक के आवाज आने लगती है, जो कि ऐसी दिक्कतें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हैं और बहुत इरिटेटिंग हैं। तीसरी दिक्कत की मैं बात करता हूं, वो अगेन कुछ कॉल से रिलेटेड है, लेकिन वो है इस फोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिलेटेड। अब इस फोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर में दिक्कत क्या है, वो काम तो बड़े अच्छे से करता है, जब तक काम कर रहा है तब तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। इतने डिस्टेंस से भी वो अच्छे से काम कर देता है और बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर देता है कि कब उसको ऑफ होना है, कब उसको
आपको ऑन होना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसका काम करना बंद कर देता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए फोन को एक दो दिन यूज कर रहे हैं, अपने फोन को रिस्टार्ट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपकी कोल्स के बीच में आपके जो फोन की लाइट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो ही नहीं रही है। जिसका मतलब है, आपको अगर नहीं पता कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम क्या करता है, जैसे ही आपको कोई कॉल आती है आप फोन को अपने कान के पास लेके जाते हैं तो फोन का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, वो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से। अब अगर आपके फोन की डिस्प्ले ऑफ नहीं हो रही इवन अपने फोन को कान के पास ले जाने के बाद, इसका मतलब है कि आपके फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है। यह दिक्कत अगेन मुझे इस फोन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि अगर आप ये फोन खरीदने वाले हैं अभी तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, और ये भी मैंने बोला कि मैं अभी भी इस फोन को खरीदने से मना नहीं कर रहा हूं। इन सब चीजों के रीजन मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हार्डवेयर रिलेटेड नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इश्यूज ऐसे हैं कि इसकी वजह से आप फोन को ही ना लें। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं तो आगे आने वाले अपडेट्स में फिक्स भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फोन को अभी खरीदने वाले हैं तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अगर अभी MIUI 10 पर अपडेट ना करें तो बहुत बेहतर होगा आपके फोन के लिए और आपके फोन के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये दिक्कतें मुझे लगता है कि सिर्फ MIUI 10 में है, MIUI 9 में नहीं थी। मैंने इस फोन को जब आज रिप्लेस करवाया तो मैंने MIUI 9 को काफी टाइम के लिए यूज किया अपडेट करने से पहले, ताकि मैं देख पाऊं कि ये दिक्कतें मुझे वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं नहीं, और मुझे काफी अच्छा लगा है जान के कि एटलीस्ट MIUI 9 में वो दिक्कतें नहीं है। तो आपके लिए एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, आप अभी अगर आप फोन खरीदने वाले हैं आप जस्ट अपने फोन को MIUI 10 पर अपडेट मत कीजिएगा जब तक मैं एक नई वीडियो नहीं बनाता या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको नहीं बताता कि अब आप अपडेट कर सकते हैं और अब वो दिक्कतें फोन से चली गई हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कुछ सवाल चाहें आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बता के जाएगा कि दिक्कतें आपको फेस करने के लिए मिल रही हैं नहीं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।